एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम नेहा एंड आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मेशो कुर्ती हॉल। मैंने मेशो से अलग अलग टाइप की 5 कुर्तीज ली है जो कि 4-500 के अंदर की है। तो देखते हैं कि कौन सी कुर्तीज मैंने ली है। पर उसके पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि मेरे इस चैनल पे आपको स्किन केयर, ब्यूटी, मेकअप, ट्रैवल, लाइफस्टाइल, फैशन रिलेटेड वीडियोस देखने मिलेंगे। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको एक ही चैनल पे इतना सब कुछ देखने मिलने वाला है। तो चैनल तो सब्सक्राइब करना बनता ही है, तो कर लो। एंड बेल आइकन पे भी क्लिक कर लो, क्योंकि आपको मेरे वीडियोज की नोटिफिकेशन आएंगे एंड आप जल्द से जल्द मेरा वीडियो देख सकोगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड अ वीडियो। फर्स्ट कुर्ती जो मैंने ली है वो है ये वाली कुर्ती, एंड यू कैन सी हाउ प्रिटी दिस इज। ये सेम कुर्ती मैंने मिंत्रा पर भी देखी थी एंड वहां इसकी प्राइस 1400 के आसपास थी। एंड मेशो से मैंने ये ली है सिर्फ 398 में। यहाँ पे मैं प्राइस एंड कोड मेंशन कर दूंगी, तो आप चेक कर लेना, इन डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। तो ये कुर्ती के बारे में बोला जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी है, पहनने के बाद लुक बहुत ज्यादा अच्छा आता है। एंड ये जो टाइप है ये, इसको एम्पायर कट बोलते हैं एंड कोई कोई आलिया कट भी बोलता है। एंड ये अभी काफी ट्रेंड में चल रहा है, बहुत ट्रेंडी दिखती है। एंड इसको आप एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकते हो, मतलब सिर्फ कुर्ती डाल लो, नीचे कुछ भी मत पहनो, जस्ट जूतीज डाल लो, अच्छे झुमके डाल लो, बस आपका काम हो गया। एंड नीचे प्लाजो भी डाल सकते हो, लेगिन डाल सकते हो। एंड मिंत्रा और इसके बारे में कंपेयर किया जाए तो ऑब्वियसली थोड़ा क्वालिटी का फर्क तो होगा ही, थोड़ा ट्रेंड का फर्क होगा, बट इट्स ओके यार। 1400 खर्चा करने से अच्छा हम 400 रुपए खर्चा करके पहन के थोड़ी थोड़ी दिन हम रख भी सकते हैं। इतने खर्चा करने की क्या जरूरत है, एक बार पहनो और रख दो। मतलब एक बार नहीं, जितने बार पहनना है उतने बार पहनो, पर एक बार की मतलब ऐसे सेम टाइप ऑफ कुर्ती के लिए आप इतने पैसे कैसे खर्च करोगे। तो इसलिए मैंने ये पिक की। बाकी प्रिंट वगैरह अच्छी है, फैब्रिक भी अच्छा है, प्राइस के अकॉर्डिंग तो काफी अच्छी क्वालिटी है इसकी। बाकी मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी जाते हैं नेक्स्ट कुर्ती की ओर। सो नेक्स्ट जो कुर्ती है ये एक शॉर्ट कुर्ती है एंड ये एक जयपुरी प्रिंट में कुर्ती है। फैब्रिक कॉटन है इसका, समर अप्रोप्रिएट है। एंड डिजाइन आप देख सकते हो, योक में ऐसी लेस की डिजाइन दी गई है, इधर ऐसे डोरी भी है एंड एक पेपलम स्टाइल में ये कुर्ती है। पहनने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी लग रही थी। एंड इसकी जो प्राइस है वो है 370। तो 370 में बहुत अच्छी कुर्ती मिली है, समर्स के लिए तो बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि कॉटन का फैब्रिक है। एंड जो कॉलेज गोइंग गर्ल्स है उनके लिए ये बहुत अच्छी है। आप जब समर में मस्त नीचे स्किनी जीन्स डाल लो या मॉम जीन्स डाल लो एंड ऊपर से ये कुर्ती पहन लो तो बहुत स्मार्ट लुक आएगा। एंड ऑफिस के लिए भी इसका बहुत ज्यादा स्मार्ट लुक आएगा। तो आप ये, जिनको ऐसी शॉर्ट कुर्तीज अच्छी लगती है वो ये ले सकते हैं। तो एंड इसकी प्राइस एंड कोड मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो चेक कर लेना। अभी नेक्स्ट कुर्ती की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो कुर्ती है ये है एक ब्लू कलर कुर्ती। इसमें ऐसी ये क्या बोलते हैं इसको, अनारकली तो नहीं बोल सकते, फ्रॉक स्टाइल कुर्ती है। एंड यहाँ पे ऐसी ये डोरी दी गई है। बस इस कुर्ते के बारे में मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। इसका फैब्रिक भी मतलब चीप टाइप का है, इतना भी कॉटन मिक्स ब्लेंड है, मतलब ऐसे ब्लेंडेड फैब्रिक है। एंड प्रिंट भी मुझे कुछ इतनी अच्छी नहीं लगी। एंड ये भी सेम कुर्ती मैंने मिंत्रा पे भी देखी थी एंड मिंत्रा पे इसकी प्राइस समथिंग 800-900 के आसपास थी, पर मिंत्रा पे इसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी होगी, यहाँ पे इतनी अच्छी नहीं थी। एंड ये कुर्ती मैंने ली है 293 में। 293 के अकॉर्डिंग तो ये मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी एंड ये मुझे फिट भी नहीं आई अच्छे से। आर्म्स में मुझे टाइट लग रही थी, तो मुझे इसका लुक भी अच्छा नहीं लगा, ना ही पैटर्न अच्छा लगा। तो ये डेफिनेटली मैं रिटर्न करने वाली हूँ। तो नेक्स्ट कुर्ती की ओर बढ़ते हैं। एंड यू कैन सी दिस कुर्ती, लाइट येलो कलर है एंड मेरा फेवरेट कलर है देखा जाए तो। लॉन्ग कुर्ती है, काफी अच्छी लेंथ है इसकी एंड आप देख सकते हो कि ऐसी प्रिंट व्हाइट येलो लाइन कलर के ऊपर ऐसी व्हाइट प्रिंट दी गई है एंड योक पे लेस की डिटेलिंग है, नेक पे लेस की डिटेलिंग है एंड स्लीव्स पे लेस की डिटेलिंग है। एंड इसका फैब्रिक भी बहुत ज्यादा अच्छा है, कॉटन फैब्रिक है एंड
इसकी जो प्राइस है वो है 333 क्या बोलते हैं, हाँ 333 की है ये। इसका भी कोड मैंने मेंशन कर दिया है। बाकी पहनने के बाद बहुत अच्छा लुक आ रहा था, एंड स्पेशली मैंने इसको सिर्फ इसके कलर के लिए लिया क्योंकि मुझे ये कलर बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बाकी आप मुझे बोलो कि ये मेरे ऊपर अच्छी लग रही है कि नहीं, क्या मैं इसको रखूं या रिटर्न कर दूं, क्या करूं, आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे पे ये जो लुक आ रहा है इसका वो इतना अच्छा नहीं आ रहा है इसलिए, पर आप मुझे बताना कि मैं रखूं या ना रखूं, ओके। बाकी कुर्ती मुझे बहुत अच्छी लगी, क्वालिटी बहुत अच्छी है, ठीक है। अभी हम जाते हैं लास्ट कुर्ती की ओर, एंड लास्ट कुर्ती जो है वो मैंने अभी पहन के रखी है। ये एक चिकनकारी कुर्ती है एंड जॉर्जेट फैब्रिक में है, ऊपर चिकनकारी का काम किया हुआ है, कलर पर्पल है, पर्पल कलर है, एंड मेरा तो दिल आ गया इस कुर्ती पे। लेंथ बहुत अच्छी है, नीचे सिर्फ व्हाइट चिकनकारी पैंट्स डाल दो या जीन्स डाल दो, कुछ भी लेगिंग डाल दो, बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। एंड मुझे पहन के तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है इसको। एंड इस कुर्ती को मैंने व्हाइट प्लाजो के साथ पेयर किया है एंड लुक बहुत ज्यादा प्रिटी आ रहा है। और देखा जाए तो चिकनकारी कुर्तीज जो है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है, एंड इस टाइप की कुर्तीज मैंने खुद ने ली है तो मुझे 1000 के आसपास सिर्फ कुर्ती आई थी, एंड ये कुर्ती मुझे 460 में मिली है विच इज वेरी गुड। प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ज्यादा अच्छी है, लुक काफी अच्छा आ रहा है, कलर बहुत अच्छा है, एंड इसमें काफी सारे कलर्स ऑप्शन भी आपको मिलेंगे, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, येलो है, एंड ऐसे मरूनिश कलर भी है। तो आप लोग देखना, आपको जो अच्छा लगे वो ले लेना, पर लेना ये कुर्ती, मैं बोल रही हूँ बहुत सबके ऊपर बहुत अच्छा लुक आएगा इस कुर्ती का, बाकी आपकी मर्जी। ये जो है मैंने बहुत कम कुर्तीज ली है, बट नेक्स्ट टाइम हॉल में मैं ज्यादा ऑप्शंस आपके लिए लेके आऊंगी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम था मीशो का, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज थी कि कैसा आता है, इसलिए मैंने थोड़ी कम ही चीजें ली थी। नेक्स्ट टाइम मैं और भी ज्यादा लाने की कोशिश करूंगी आप लोगों के लिए। बट आई होप आपको ये आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी होगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।